हेलो नमस्कार। कक्षा 12 में अपने डे 167 में प्रावर्ती दूरदर्शी के बारे में पढ़ लिए हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि अपवर्ती और प्रावर्ती में प्रावर्ती दूरदर्शी क्यों महत्वपूर्ण है। अब बात कर रहे हैं प्रावर्ती दूरदर्शी। प्रावर्ती दूरदर्शी मुख्यतः दो प्रकार की है। प्रावर्तनीय दूरदर्शी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दर्पण लगा रहता है, परावर्तन की घटना पर आधारित होती है, उसके बाद में प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है आने वाली किरणों को एक जगह एकत्रित करके, किसके द्वारा, परावर्तन के द्वारा। तो उसे इस कारण इस दूरदर्शी को क्या कहते हैं, प्रावर्ती दूरदर्शी, प्रावर्ती रूपी दूरदर्शी कहते हैं। ये दो प्रकार की, एक साइंटिस्ट के नेम पर ही है, ये कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप एंड न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटन ने के द्वारा बनाया गया न्यूटोनियन, कैसिग्रेन के द्वारा बनाया गया कैसिग्रेनियन। तो दोनों की ही हम शॉर्ट में बनावट पढ़ लेंगे, बनावट में ही वर्किंग आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसकी बनावट कैसी है, कैसिग्रेनियन, अभी हम कैसिग्रेनियन पढ़ेंगे, न्यूटोनियन बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नंबर एक पढ़ रहे हैं अभी हम ये कैसिग्रेनियन, यहाँ पढ़ा लेता हूँ पढ़ाएगा हम। इसमें क्या रहता है, एक साथ साथ समझ लेते हैं हम, एक अवतल दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, ऐसा दर्पण है जिसमें अंदर के भाग जो है वो परावर्तन का काम करता है और उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है, ठीक है। तो ये उभरा हुआ भाग बाहर का है, इस पे तो पॉलिश कर दी, अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। तो अंदर के भाग से कौन सी घटना होगी, परावर्तनी घटना। ये जो प्रोसेस है, ये जो कंस्ट्रक्शन है, वो नली में होती है, हमें पता है दूरदर्शी क्या होती है, एक नली टाइप रहती है जिसको पकड़ के हम देखते हैं और फिर हमें जो वस्तु जो है दूर की वो स्पष्ट दिखाई देती है। इससे आ रही प्रकाश किरणें अनंत से, क्योंकि वस्तु दूर स्थित है इसलिए उसको हम कहां पर मानते हैं, अनंत पर मानते हैं। ये नली के अंदर है ये सारी प्रोसेस। अब यहां से अवतल दर्पण क्या करता है, इनको परावर्तित करता है और पीछे जो है वो जहां पर ये दूसरे पर मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब बनाता है। तो ये क्या होगी, इस तरह से जाएंगे। अब ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगी, लेकिन मिलने से पहले क्या कर दिया जाता है, मिलने से पहले ही एक दर्पण और लगा दिया जाता है जिसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है। कम उत्तल दर्पण में क्या होता है, उसका उभरा हुआ जो भाग है, बताया था पहले भी, उसे उत्तल और ऐसे अवतल और ऐसे अंदर और उसे उभरा हुआ। तो जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है वो उत्तल दर्पण, जिसका अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ होता है वो अवतल दर्पण। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो तो, जैसे हम इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं तो कंफ्यूजन होती नहीं है। अब उभरा हुआ भाग कब परावर्तक पृष्ठ होगा, जब इसके अंदर के भाग पर क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए। तो अंदर के भाग पर कर दी पॉलिश, अब ये उभरा हुआ भाग क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। तो जो प्रकाश किरणें यहां आके मिलती तो कहां मिलती, यहां मिलती, यहां मिलती, यहां प्रतिबिंब प्राप्त होता, लेकिन उससे पहले क्या लगा दिया, उससे पहले ही उत्तल दर्पण लगा दिया। तो उत्तल दर्पण क्या करेगा, वापिस इसको परावर्तित कर देगा। अब ये जो परावर्तित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें कहां जाएंगी, इधर इधर आएंगी, परावर्तित होकर इधर आएंगी और यहां लगा दी जाती है नेत्रिका, नेत्रिका यानी जहां से क्या किया जाता है, जहां से देखा जाता है वो भाग है, इसको बोलते हैं क्या, नेत्रिका, जहां हमारी आंख होती है। तो यहां से प्रकाश किरणें परावर्तित होकर नेत्र तक पहुंचती है और उसे स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब यहां लेंस यूज ही नहीं हुआ, यहां परावर्तन की घटना हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, परावर्ती दूरदर्शी, सॉरी परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। और इसके अंदर लेंस नहीं है, इसलिए वर्ण विपतन नहीं होता है। अब ये पूछ लें भी परावर्ती दूरदर्शी को कितने प्रकार की है,
और केसी किरण ने दूरदर्शी की बनावट लिखी है और ये अपवर्ती दूरदर्शी से क्यों महत्वपूर्ण है, इस तरह के क्वेश्चन टुकड़ों में दिए जाते हैं। जब ये क्वेश्चन आएगा तो तीन चार प्रकार पार्ट होंगे एक एक नंबर के, तो आपको ये बना के फिर ही बताना है कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ परावर्तन की घटना हो रही है, यहाँ लेंस नहीं है दर्पण है, और दर्पण में क्या होता है जो जाती है प्रकाश किरणें वो ही वापिस वैसी की वैसी आ जाती है। आईने में हम देखते हैं तो जैसे हम हैं वैसे ही हमें हमारा चेहरा दिखाई देता है, इसका मतलब जैसी प्रकाश किरणें हमारे चेहरे से वहां पहुंची है वही टकरा कर हमारी रेटिना तक पहुंची है और वही हमें दिखाई दे रहा है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उसके अंदर कलर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस नहीं होता है, वो होता है लेंस के कारण कांच के कारण। पीछे जब पॉलिश कर दी जाती है तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती नहीं है, वापिस टकराकर उसी माध्यम में आ जाती है, तो जैसी जाती है वैसी वापिस आ जाती है, इसलिए ये घटना इसके अंदर वर्णविवर्तन की होती नहीं है। तो इसलिए परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अच्छा प्रतिबिंब बनाने वाली है और ज्यादा यूजफुल है। तो इस पर ये इसकी व्यवस्था है। अब आपको इसी को ही थ्योरी में लिखना, डायग्राम आए तो ये डायग्राम बनाना है, बस यही है इसका डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, एक नली के अंदर एक अवतल दर्पण व्यवस्थित किया जाता है जिसके बीच में छिद्र होते हैं, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें इससे परावर्तन के पश्चात वापिस परावर्तित उसी माध्यम में उसी भाग में जाती है जहां किसी बिंदु पर ये मिलनी चाहिए। जैसे ये हो गया अभिदर्शक दर्पण कह सकते हैं जिस पर आपकी दोरी है, ठीक है, ये आईपीस हो गया नेत्रिका जहां देख रहे हैं। तो परावर्तित किरणों को एक उत्तल दर्पण पर आपतित करवाया जाता है जहां से पुनः परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें नेत्रिका में पहुंचती है और हम उस प्रतिबिंब को देख पाते हैं। ये प्रोसेस है किसकी, कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप की, कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यूटोनियन टेलीस्कोप की, तो उसमें भी इसी तरह का प्रोसेस है, बस उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होती है। उसको एक मिरर को दर्पण को 45 डिग्री पर व्यवस्थित किया जाता है, तो उसकी थोड़ी सी व्यवस्था अलग है, उसका हम बात करेंगे नेक्स्ट में। अभी आप इसको समझ लें और ये बनावट लिख लें, इसकी बना लें और शॉर्ट में ये तीन चार लाइनें लिख लें, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट में।